हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट टाइम अपन ने क्या करा था? अपन ने करा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब तक इतना क्लियर हो गया। तो आज अपन करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में बेसिकली थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें बेसिकली जो एक्सेलरेटेड है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये जो एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तभी ये सब इक्वेशन वैलिड होंगे। तो अभी ये नोटेशंस तो आपको पहले से ही पता होंगे, अगर इनकेस नहीं पता है तो मैं वापस एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वी इज वॉट, वी इज फाइनल वेलोसिटी। V is what? V is final velocity. What is u? U is initial velocity. What is u? U is initial velocity. What is a? Uniform acceleration. What is t? Time. What is t? Time. And what is s? S is basically displacement. ठीक है, तो अब basically अपन क्या करने वाले, तीनों को derive करने वाले, ये तीनों को अपन derive करने वाले। तो अगर आपने pen down कर लिया तो well and good, नहीं तो कर लो अभी। और तो फिर मैं ये दोनों अभी रब कर रहा हूं। So, let's start with this first equation. अभी first equation of motion के लिए अपन को पता होना चाहिए acceleration का formula क्या है। तो acceleration का formula क्या है? Change in velocity upon time, right? तो acceleration is equal to change in my velocity upon time. V is what? Final velocity. What is u? U is initial velocity upon time. तो फिर क्या करेंगे? Cross multiply यहाँ पर कर लो t को, तो a t is equal to v minus u, और u को इधर shift कर लो तो क्या हो जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, देयरफॉर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। करेक्ट गाइस? तो फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर टिल नाउ, ओके? तो अभी सेकेंड इक्वेशन अपन स्टार्ट करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैसा आया? सो बेसिकली इसके लिए अपन को समझना पड़ेगा एस क्या होता है। एस डिस्प्लेसमेंट है, तो अपन को पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी एवरेज, जो वेलोसिटी एवरेज है वो बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विच इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, वी एवरेज इनटू टाइम। और वी एवरेज क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टू, एवरेज है। वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी द होल बैक, दिस इज एस। इस बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन दे रहा हूं और कुछ भी बात नहीं है। और v का अपने फॉर्मुला अभी दे रहा था, v इज इक्वल टू वॉट, u प्लस ए टी, याद है? ग्रेट, u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइड बाई टू इन टू द टी। यू प्लस यू इज इक्वल टू वॉट, टू यू प्लस ए टी अपॉन हाफ अपॉन हाफ, और ये t मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों के साथ। ठीक है, तभी यहां पर देखोगे टू टू कैंसिल हो गया और ये आ गया, तो क्या बचा अपने पास, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ में आ गई बात? परफेक्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड इक्वेशन। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अभी इसमें भी सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, एस इज इक्वल टू वी एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू, वॉट इज दिस, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अभी इसमें इसके बाद क्या करते थे, फर्स्ट इक्वेशन लेते थे, वी की जगह वहां पे सब्स्टिट्यूट करते थे सेकंड वाले इक्वेशन में। इसमें क्या होगा, टी को सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब क्या, बेसिकली टेल यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो व्हाट इज ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एंड वी माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू व्हाट, टी। सो दिस वैल्यू वी नीड टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, गेटिंग इट, यू प्लस वी अपॉन टू वी माइनस यू अपॉन ए। इसको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, वी प्लस यू अपॉन टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, वी और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये टू इंटू ए टू ए इज इक्वल टू एस। तो अपना क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा अपना, 2as is equal to, sorry, 2as plus plus u square is equal to v square. au इधर शिफ्ट हो जाएगा, minus u यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, plus u हो जाएगा, and this is the formula same as this, v square is equal to u square plus 2as. Getting it? Clear? अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो और आपको समझ में आ रहा हो, अच्छी बात है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और मेरे पर पूरी प्लेलिस्ट भी है, तो आप प्लीज वो देख लेना। Thank you. Have a great ahead.